नमस्कार, मैं सारिका द सेकंड वाइफ लजीज खाना पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मिक्स वेजिटेबल बनाने जा रही हूँ जो काफ़ी हेल्दी होता है और सभी लोग इसे पसंद भी करते हैं, क्योंकि मिक्स है, इसमें सारे सब्जी जो घर में आपके पास उपलब्ध है उसी से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और मैं जो बना रही हूँ वो बहुत ही खास है। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, दो आलू, दो शिमला मिर्च और एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा, प्याज और टमाटर, बस इसी से बना रही हूँ। ये आलू को फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर इस तरीके से बनाएंगे आप लोग तो आपके घर में बच्चे अगर नहीं खाना पसंद करते हैं लौकी तो ज़रूर खाएंगे। आप लोग एक बार बना करके देखिए, इस लौकी को देखिए, मैं मैदे से डस्टिंग कर रही हूँ, यही सबसे खास है। इसको डस्टिंग कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कोट कर दीजिए, क्योंकि लौकी बहुत ही पानी रिलीज करता है तो इसे अच्छे तरीके से उसमें सोख लेगा। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो रहा है, देखिए। और इसको पलट पलट करके पूरा झाड़ लीजिए, पूरा निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। जो इसमें चिपकना होगा वो चिपक जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। देखिए, तब तक ये आलू फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। गैस को लो कर देंगे, हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। देखिए बहुत ही क्रंची हुआ है, और उसी तेल में इस लौकी को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर ही। और जो भी बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं बिल्कुल खाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये लौकी है। और इसको हटा दीजिए, इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है। और इसको भी बिल्कुल डीप फ्राई करें, एकदम क्रंची क्रंची, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाता है। और लौकी को कभी भी कोटिंग कीजिए तो मैदे से ही कीजिए, और बेसन से बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि बेसन से ग्रेवी तो बनेगा और क्रंची भी होगा, सब चीज़ होगा, लेकिन इसकी फ्लेवर अच्छी नहीं आएगी, इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। और बेसन के साथ बनाने पर पता भी चल जाता है कि इसमें लौकी है। लेकिन आप कभी भी बनाएं तो घर में थोड़ा थोड़ा बच्चे को आदत डालिए कि खाने के लिए लौकी बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देख सकते हैं ये क्रंची हो रहा है, इस तरीके से आप बनाइए। ऐसा नहीं है कि बेसन से अगर लौकी बनाने पर टेस्टी नहीं होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, उसका एक अलग फ्लेवर आता है, लेकिन बच्चों को पता चल जाती है, बच्चे तो बहुत ही समझदार होते हैं तो पता चल जाती है, इसलिए आप उसका कोटिंग मैदे से कीजिए। तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, और इसमें जितने सारे तेल हैं ये बहुत ही कम तेल लेता है, तो जो ज़्यादा मात्रा में तेल है उसे बाहर निकाल दीजिए, और जितना आपको यूज़ करना है उतना ही रखिए। और नीचे जो भी इसका डस्ट निकल करके और टूट करके उसमें गिरा है उसको भी आप बाहर निकाल दीजिए। मैं 2 चम्मच तेल रख करके बाकी सभी को निकाल दी हूँ, और उसमें जीरा डाल दी। जीरा चटक जाने के बाद में देख सकते हैं, ये प्याज को मैं इस तरीके से चॉपती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज में रहेगा, इसको गलाना नहीं है, केवल कलर चेंज हो जाए। तो फिर इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का क्रश करके डाली हूँ इस तरीके से, क्योंकि बच्चे लोगों को पता नहीं चलने देना है, इसलिए तो थोड़ा सा कुछ अलग करना है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए, अब धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, ये काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तो कलर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे को खाना है तो तीखा ज़्यादा नहीं करना है। हरी मिर्च का क्रश करके डाली हुई हूँ तो मैं बहुत कम ही डाली हूँ, ये कलर के लिए केवल डाली हूँ। सबको मिला करके फ्राई करेंगे। अभी हल्दी नहीं डाली हूँ तो चलिए हल्दी डालते हैं इसमें, और सबको मिलाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही शानदार बनने वाला है। अब टमाटर डालेंगे और नमक डालेंगे ताकि ये ग्रेवी को
एक साथ मिला ले और गल जाए। आप टेस्ट के अनुसार ही नमक डालें। अगर रोटी से खाना है तो बिल्कुल कम डालें, चावल से खाना है तो थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन घर में आपके यहाँ किस तरीके का लोग नमक यूज करता है उसी हिसाब से आप नमक डालिए। और सबको मिला करके थोड़ा सा पानी डालेंगे हाफ कप, और थोड़ा गैस का फ्लेम हाई करेंगे, हल्का सा हाई करेंगे। मसाले तो फ्राई हैं लेकिन पानी के साथ उसको फ्राई करना है ताकि इसकी फ्लेवर और निखर करके बाहर आए, सब्जी में एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो देख सकते हैं ये तेल भी छोड़ रहा है और पानी लगभग सूख गया है। तो अब इसमें कैप्सिकम डाल करके मिलाएंगे। कैप्सिकम को बिल्कुल गलाना नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए हल्का सा तो बस उतना ही चलेगा। तो इस तरीके से सबको मिला करके फ्राई कर लेंगे, और ये आलू और लौकी को जो फ्राई करके रखी थी इसमें मिला लेंगे डाल करके सबको। अब बच्चे लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताना है, और फिर पूछना है सब्जी कैसी लगी, किस चीज़ की सब्जी थी खाने के बाद। पहले तो पूछेंगे तो वो चेक करेंगे आखिर इसमें है क्या क्या, लेकिन खाना खाने के बाद पूछेंगे इसमें है क्या क्या, अब किस चीज़ की सब्ज़ी खाए हो और कैसी लगी। तो रहेगा बच्चे लोगों के लिए ये सरप्राइज। तो पानी डाल करके अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सारे चीज़ फ्राई हो चुके हैं। आलू भी फ्राई है, लौकी भी फ्राई है, कैप्सिकम को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है तो कवर करते हैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे, और फिर चेक करते हैं। देख सकते हैं चारों किनारे तरफ से ये पानी और ऑयल सब रिलीज हो रहा है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर लीजिए। और ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। ये गरम मसाला थोड़ा सा फ्लेवर को और खुशबूदार बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए मैं डाली हूँ, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी नई रेसिपी जो भी आएगी आप लोगों तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो कैसी रही मेरी ये सब्जी, आप लोग एक बार ज़रूर घर पर बच्चों के लिए बनाइए और खा करके इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये कितना बेहतरीन दिखता है। ये दो मिनट इसे सेट होने के लिए रहने देती हूँ, फिर देखिए कितना प्यारा दिख रहा है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार मेरे रेसिपी को देते रहिए, तो फिर नए रेसिपी के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।